सैमसंग का मोबाइल है, इस पर गूगल अकाउंट लगा हुआ है। इस मेथड से A14 और A24 की गूगल अकाउंट आप आसानी से खोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने मोबाइल को डाउनलोड मोड पर लगाना है, रिस्टार्ट करना है और नीचे केबल कनेक्ट करके रखनी है और दोनों वॉल्यूम बटन दबा कर रखना है, वॉल्यूम डाउन और पावर, और सिस्टम से आपने केबल लगा के रखनी है जिससे हमारा मोबाइल जो है डाउनलोड मोड पर आ जाएगा। आप मोबाइल ऑफ करके भी दोनों बटन दबा के केबल लगा सकते हैं जिससे डाउनलोड मोड आ जाएगा। तो उसके बाद वॉल्यूम अप दबाना है। तो हमारा मॉडल है A245F, तो इस पर एफ आर टू गूगल अकाउंट लगा हुआ है, तो इसको बाईपास करेंगे। तो इसको बाईपास करने के लिए फ्री टूल है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और सैमसंग के ड्राइवर भी डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आप जो टूल है आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिखना है सैम फ्लैश स्पेस टूल और आपने सर्च मारना है और आपने इस टूल को डाउनलोड कर लेना है। ये 45 से 50 MB का टूल है, आपने ये टूल डाउनलोड कर लेना है और सैमसंग के नीचे USB ड्राइवर दिए हैं, आपने ये भी इंस्टॉल लाजमी करने हैं। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो कोई इशू नहीं है। तो आपने यहाँ से लेटेस्ट टूल डाउनलोड कर लेना है, फ्री टूल है, उस पर कोई पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ। आपने ये टूल डाउनलोड कर लेना है और इसको डाउनलोड होने के बाद ओपन और विजिट करना है। विजिट मारना है और फिनिश करना है। यस टू ऑल। इस टूल को ओपन करना है आपने। लोडिंग हो रही है टूल की, मोबाइल हमारा डाउनलोड मोड पर है। यूटिलिटी में जाना है, साथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये MTK मॉडल है तो डाउनलोड मोड पर लगा सैमसंग MTK FRP पे हमने क्लिक करना है, विद ऑडियंस लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल आपका ऑफ होगा फिर ऑन होगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड पर दोबारा लग जाएगा। तो यहाँ पे FRP रिमूव हो चुकी है, तो मोबाइल ऑन ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है। ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट लेता है या 1 मिनट लेता है, ऑन हो जाएगा। वाईफाई हमारा कनेक्ट है और गूगल अकाउंट जो है ना वो बाईपास हो चुका है, तो इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट और स्किप स्किप करेंगे। इन्फो पे थोड़ा टाइम ले सकता है तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो मसला है वो गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है। थोड़ा यहाँ पे वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे और मैसेज करेंगे, इसी तरीके से आप आसानी से गूगल अकाउंट या फिर बाईपास कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।